नमस्कार, मैं हूं दिबांजी मोइत्रा। पत्रकारों की कथित जासूसी को लेकर पहले से ही घिरी मोदी सरकार पर अब एक बार फिर देश के बड़े पत्रकारों ने जबरदस्त हमला बोलना शुरू कर दिया। इस बार पत्रकारों ने हिंदी दैनिक अखबार दैनिक भास्कर और न्यूज चैनल भारत समाचार पर पड़े आयकर विभाग के छापे को मुद्दा बनाया। दरअसल आयकर विभाग गुरुवार को सुबह से ही दैनिक भास्कर समूह के कई दफ्तरों पर ताबड़तोड़ छापे मार रही। ये छापेमारी आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग कर रही। छापेमारी के दौरान ऑफिस में मौजूद कर्मियों के फोन ले लिए गए, साथ ही किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक आयकर विभाग ये छापेमारी कर चोरी के मामले में कर रहे। नोएडा, जयपुर, भोपाल, इंदौर, मुंबई और पटना समेत देश के सभी जगहों पर स्थित ऑफिस में ये छापेमारी चल रही। इसके साथ ही समूह के मालिकों के आवास पर भी आयकर विभाग छापेमारी कर रही। ये समूह मीडिया बिजनेस के साथ ही दूसरे कारोबार से भी जुड़ा हुआ। दैनिक भास्कर के अलावा राजधानी लखनऊ में भारत समाचार के दफ्तर पर भी छापेमारी की खबर आई। लगातार हो रही इस छापेमारी पर देश के बड़े बड़े पत्रकार बुरी तरह भड़क गए। वरिष्ठ पत्रकार पुण्यप्रसून वाजपेयी ने ट्वीट कर लिखा, पहले दैनिक भास्कर, घंटे भर बाद भारत समाचार, कब तक छापे और सरकारी एजेंसी की दबिश, सीधे इमरजेंसी लगाएं, अभिव्यक्ति की आजादी पर ताले लगे। एक और ट्वीट में पुण्यप्रसून वाजपेयी ने लिखा, चापलूसी से ध्यान हटा, छापे की दुर्घटना घटी, अखबार भास्कर समूह पर IT का छापा। दैनिक भास्कर के समर्थन में खड़े पत्रकार अजीत अंजुम ने लिखा, अगर आप सत्ता से सवाल करने वाली पत्रकारिता करते हैं तो सलाखों के पीछे जाने को भी तैयार रहे, छापे तो ट्रेलर है। अगर मोदी और शाह की सत्ता के सामने लोटने लेटने और उनकी भजन आरती वाली पत्रकारिता कर रहे हैं तो मस्त रहिए, आप तय कर लीजिए कि क्या करना है। दैनिक भास्कर की एक खबर शेयर करते हुए अजीत अंजुम ने लिखा, ऐसी सुर्खियां छापोगे तो छापे भी नहीं पड़े, मोदी और शाह की सरकार में इतनी खुली छूट चाहते हो। आज तक के लिए काम कर चुके पत्रकार नवीन कुमार ने लिखा, दैनिक भास्कर समूह के कई ठिकानों पर टैक्स एजेंसियों के छापे की खबर आ रही। कोरोना के दौरान मोदी सरकार की विफलताओं को इस अखबार ने जिस तरह से उधेड़ा था, उसके बाद सब इंतजार कर रहे थे कि सरकार कब कार्रवाई करती, उसने निराश नहीं किया। शववाहिनी गंगा, बाकी सब चंगा। आज तक के लिए काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार कमर वहीद नकवी ने भी लिखा, यानी जो मीडिया गोद में नहीं बैठेगा उस पर छापे पड़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, फोन की जासूसी होगी और जाने क्या क्या होगा। संदेश साफ है, मीडिया वालों गोद में बैठो, गुड़ गाओ, मलाई खाओ, वरना। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग दैनिक भास्कर समूह की तरफ से दिए गए दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं था। इसके बाद कर चोरी मामले की जांच के लिए ये छापेमारी की गई। आयकर विभाग की तरफ से इसे लेकर कोई अधिक जानकारी नहीं दी गई। ऑफिसों के बाहर पुलिस का पहरा भी मौजूद, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं, साथ ही कोई बाहर भी नहीं निकल सकता। आयकर विभाग की टीम के साथ CRPF के जवान भी मौजूद। इसके अलावा UP में भारत समाचार के दफ्तर और चैनल के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर भी छापे की खबर। आयकर विभाग की इस कार्रवाई का ठीकरा पत्रकारों का एक वर्ग मोदी सरकार पर फोड़ रहा है। वैसे इस मामले में आपका क्या कहना, मीडिया संस्थानों पर ये छापेमारी गलत है या फिर मीडिया संस्थानों ने अगर कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें इस छापेमारी से डरना नहीं चाहिए, आयकर विभाग को अपना काम करने देना चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।